केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को बालोतरा के एक दिवसीय दौरे पर आए, जहां केंद्रीय मंत्री ने नाकोड़ा के पास लालबाग रिसोर्ट में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित पद स्थापना समारोह में शिरकत की और इकाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान उद्यमियों ने बालोतरा टेक्सटाइल उद्योग की समस्याएं केंद्रीय मंत्री के सामने रखी। बालोतरा से नील वैष्णव की रिपोर्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को बालोतरा के एक दिवसीय दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री ने नाकोड़ा के पास लालबाग रिजोर्ट में आयोजित उद्योग सम्मेलन में शिरकत की। लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित पदस्थापना समारोह में बालोतरा इकाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर उद्यमियों ने बालोतरा टेक्सटाइल उद्योग की समस्याएं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने रखी। केंद्रीय मंत्री ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए लघु उद्योग को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी करार दिया। उन्होंने सरकार की ओर से उद्योगों के प्रति संवेदनशील होने की बात कहते हुए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करने के लिए संकल्पबद्ध होने का भरोसा दिलाया। मैं निश्चित ही जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जहाँ कहीं भी उद्योग के या जिस किसी भी समस्या उस समस्या का समाधान करना, और क्योंकि परिवार का संगठन होने के नाते परिवार के संगठन के सब सदस्यों के हितों के लिए संघर्ष करना, ये निश्चित रूप से हमारे जो है हमारे कर्तव्य का हिस्सा है। उद्यमियों ने संगठन के प्रदेशाध्यक्ष व जोधपुर के महापौर घनश्याम ओझा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल, जोधपुर प्रांत अध्यक्ष शांतिलाल बलाड़, पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी, शिवाना विधायक हमीर सिंह सहित बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे।